अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलजार अहमद और आप देख रहे हैं गुलजार टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे प्लेग्राउंड्स और थीम पार्क्स हैं जहां पर जाकर बच्चे और बूढ़े दोनों ही एंजॉय कर सकते हैं। खास करके बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड्स एरियाज बनाए जाते हैं वहां सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है ताकि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे एंजल और ख़तरनाक प्लेग्राउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। जाइंट कैन्यन स्विमिंग रेड रोलर से 1300 फुट की ऊंचाई से झूले को काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है क्योंकि ये झूला पहाड़ी इलाकों के बिल्कुल एज पर बना है। दूसरी तरफ गहरी खाई है। 50 मील घूमने वाले झूले को टेरिंग ही लोग कर सकते। इस राइड का मज़ा लेने के लिए आपसे एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। ये रियली डेंजरस था। नंबर 2, द पेंडोलम राइड। दोस्तों, अगर आप एक्सट्रीम राइड के दीवाने हैं तो ये राइड आपके लिए बनी है। ये राइड आपको 120 किलोमीटर की स्पीड से हवा में 150 मील की ऊंचाई तक ले जाएगी। पेंडोलम राइड 136 डिग्री भी घूम जाती है जो काफ़ी थ्रिलिंग और मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। नंबर 3, किंग ढाका न्यूजर्सी अमेरिका में बनाया हुआ रोलर कोस्टर दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर है। इसकी ऊंचाई 465 फीट है और इसकी दूसरी 600 किलोमीटर की रफ्तार है। उसे दुनिया का दूसरा सबसे तेज और रफ्तार वाला रोलर कोस्टर बनाती है। इसका ऊंचा और घुमावदार ट्रैक लोगों को चीखे निकालने के लिए काफ़ी है। नंबर 4, स्काई टावर। दोस्तों, ये है स्काई टावर जिसे डेनमार्क में एडवेंचर लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें लोगों को हारने से बांधकर 100 फीट की ऊंचाई पर बांध लिया जाता है और बाद में इस हार्नेस को खोल दिया जाता है जिसे लोग 90 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे बंधे हुए नट में गिरते हैं। इस तरह राइड का लोग मज़ा लेते हैं। ये राइड कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको इस पे ऐसा लगेगा जैसे आप नीचे गिर के मरने वाले हो। नंबर 5, स्लिंग शॉट राइड। इस राइड पर दो लोग बैठते हैं और उसकी दोनों साइड केबल से बांध दी जाती है और बाद में स्प्रिंग की मदद से इस राइड पर बैठे लोगों को आसमान में 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक 100 किलोमीटर की रफ्तार में फेंका जाता है। ये रियली अमेजिंग थी।